तो ये ख्याल भी दिल से निकालें कि यार और दुनिया का कोई किसी और के माँ बाप बहन भाई ना आ जाए, सिर्फ हमारे माँ बाप बहन भाई हैं। तो बहुत इजी प्रोसीजर है यूके चैरिटी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई करें और इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अगर और भी किसी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। लंदन में अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और अभी मैं जिम जा रहा हूँ। लंदन की एक मज़े की बात यह भी है कि यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, कहाँ पे जाते हो, मुंह धोया नहीं धोया, कपड़े पहने हैं नहीं पहने, सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं, किसी को परवाह नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे तो वहाँ पे हमसायों को पता होता था कि यार आप काम क्या करते हो, कितने बजे काम पे जाते हो, कितने बजे काम से आते हो, खाते क्या हो, आज पकाया क्या घर पे। लंदन में हर चीज़ का सीक्वेंस है। ये देखें, इसने मुझे रास्ता दिया गाड़ी के लिए, मैंने कहा नहीं तू गुजर जा पहले, वो भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। हर बंदा यहाँ पे अपने कायदे पे चलता है। अब ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस पे खड़ी हुई हैं, किसी ने थोड़ी थोड़ी जगह पे खड़ी हैं, ठीक है, कोई किसी पे गाड़ी नहीं मारता। हाँ, सुबह के टाइम पे काम पे जा रहे हैं और किसी के पास टाइम नहीं है यार किसी के साथ खड़े होकर बात कर ले। हमारे यहाँ तो वहाँ पे काम पे जाते जाते लोग दो दो घंटे खड़े रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं इधर उधर की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर लोग सुबह ही सुबह काम पर निकल जाते हैं। हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि लोग वहाँ पे उठते हैं जी 11-12 बजे 2 बजे मार्केट्स खुलती हैं, नहीं, यहाँ पे लोग सुबह ही अपना रोज़गार तलाश करते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ पता है इनकी क्या है कि ये लोग आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। ये देखें, लोग कामों पे भी जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ एक टाइम पे करते हैं, दुकानें खुल गई हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी जिसने काम करना है वो सुबह सुबह ही निपटा लेता है कि भाई टाइम की कदर है, यहाँ पे टाइम की कदर है। अगर आपका पास टाइम है ना तो ये इनको पता कि यार टाइम से ही आपने दुनिया जीतनी है। इन लोगों ने टाइम की कदर की हुई है इसलिए ये लोग कामयाब हैं। हर बंदा अपने कामों पर मसरूफ़ है, कोई भी वेला बैठा गप्पे नहीं मार रहा, जैसे हमारे वहाँ पे फटों पे लोग बैठे रहते हैं सारा सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लो भाई जी, अब मैं आ गया हूँ जी। तो यहाँ पे जिम में एंटर होने के लिए बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, आपने अपना यहाँ पे आईडी डालनी है, जो भी आपका नंबर है, उसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा फिर ही आप अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी जिम के अंदर। तो ये हर बंदा इस चीज़ को फॉलो करता है, कोई किसी की भी आईडी लगा के अंदर नहीं जा सकता। जी, मैंने आईडी लगाई और दरवाज़ा खुल गया, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। इसी तरह से जब मैंने बाहर आना है तो इसी तरह से आईडी लगाएंगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज का ये भी फ़ायदा है लंदन में कि कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कोई भी किसी की तरफ देखता नहीं है, छेड़ता नहीं है एक दूसरे को। ये फ्री कंट्री है, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो अप्रोच कर सकता है, अगर कोई नहीं तो कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता, छेड़ भी नहीं सकता। लो जी, जिम फिनिश हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने। मैंने अब चिकन लेना है और आज मैंने पकाना है चिकन और मटर। इतनी हलाल शॉप इंडिया और पाकिस्तान या दूसरे इस्लामी मुल्कों में नहीं होंगी जितनी हलाल शॉपें यहाँ पर हैं लंदन में हैं। आपको जगह जगह पे हलाल शॉप नज़र आएगी। ये देखें जी, इस शॉप से मैंने चिकन लेना है और फिर मैंने घर जाना है। यहाँ पे एक किस्म के नहीं चिकन, यहाँ पे 2-3 वैरायटी में चिकन आपको मिल जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है जी हार्ड चिकन, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बल्कि काफ़ी हार्ड होता है। एक ये है जी बॉयलर चिकन, जो कि जिसको बॉयलर चिकन कहते हैं, ये उससे कम हार्ड होता है। और ये है जी रोस्टर चिकन, जो कि इजीली पकाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं आम चिकन जो अच्छा होता है। और ये होता है जी बेबी चिकन, ठीक है, बेबी चिकन जरा छोटे चिकन होते हैं, तो इसमें काफ़ी किस्म की वैरायटी मिल जाती है गोश्त की आपको यहाँ यूके में, जो कि आपको हम अपने मुल्कों में नहीं इतनी मिलती। अच्छा जी, अब मैंने ले लिए हैं चिकन, अब मैं जाऊँगा मटर लेने के लिए। यहाँ पे मटर भी काफ़ी किस्म के मिलते हैं, एक तो पाकिस्तान में जो मटर होते हैं जो हाथ से निकालते हैं वो भी हैं,
और एक फ्रोजन किस्म के मटर हैं जो फ्रोजन होते हैं, आपको सिर्फ उसको कुछ भी नहीं करना होता, पकाना नहीं होता, सिर्फ हांडी में डाल दो, विद इन 1-2 मिनट वो तैयार होते हैं। अब वेदर अच्छा है, आज गर्मी भी इतनी नहीं है, वेदर भी ठीक है, 2-4 दिन से बड़ी गर्मी पड़ी थी लेकिन आज वेदर अच्छा है। यहाँ पे चलते फिरते आपको पाकिस्तानी भी नज़र आ जाएंगे और नेशनलिटीज़ के लोग भी नज़र आ जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आपको काफ़ी लोग हैं जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, शॉपिंग सेंटर यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए तो आपको हेल्प भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे एक उस बंदे के लिए जो बिल्कुल भी अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और जगह जगह पर आपको मिल जाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफगानी, नेपाल के लोग, काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, जिस शॉप पे मैं आऊँ, ये लंदन की बल्कि यूके की सबसे बड़ी एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, आपको हर किस्म की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। लो जी, सारी शॉपिंग भी हो गई है खाने पीने की, अब मैंने जाके खाना पकाना है। अब असल बात की तरफ आता हूँ, जो ये है कि यूके चैरिटी वीज़ा जो मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोग यूके में आ सकते हैं, आप खुद अकेले नहीं आ सकते, आप बल्कि अपनी फैमिलीज़ भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब उसमें प्रोसीजर क्या है? इसमें प्रोसीजर ये है कि आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपको बैंक अकाउंट अपना जो शो करना है, अगर आपने अकेले नहीं आना है तो 1270 पाउंड उसकी शो करनी है आपने बैंक अकाउंट में, वो 28 दिन की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर बीवी को साथ लेके आना है वो आपने 285 पाउंड सेपरेट शो करने हैं, और बच्चों को अगर साथ लेके आना है वो 300 पाउंड आपने शो करना है। तो ऑल टुगेदर ये 3 से 4 लाख रुपये का खर्चा है पूरा, 3 से 4 लाख में आपकी पूरी फैमिली यूके में आ सकती है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ा लगे भी हैं, और ये 1 साल का वीज़ा होता है, ठीक हो गया, और 1 साल के बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाना तो आप विद इन द यूके दूसरे किसी वीज़े में स्विच हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसमें आप फाइंड आउट कर सकेंगे 2000 से ज़्यादा कंपनीज जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं, www.uktoyersponsors.co.uk। इस यहाँ पे जाना आपने, और यहाँ कैटेगरीज में जब जाएंगे इंडस्ट्रीज में, वहाँ आपने सोशल वर्क टाइप करना है और फिर वो कंपनीज़ की लिस्ट निकल आएगी जो कि 2000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप देख सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ मेरी और आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, 1 by 1 करके आप सारे लिंक पे क्लिक करें और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंपनी को अप्रोच करना है और कैसे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट लेना है।